कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्विन फैमिली। तो आज ये इनकी नाइट ड्यूटी है तो ये जा रहे हैं। और खुशबू की डिमांड थी कि मैं दिखाऊं कि नाइट ड्यूटी में मुझे क्या करना पड़ता है, तो अब मैं आपको हॉस्पिटल में दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ पूरी नाइट। इसको लगता है कि मैं बैठा रहता हूँ। सबसे पहले तो डिटेल वीडियो में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, तो हमें हर महीने 6 नाइट करनी पड़ती है। जो नाइट ड्यूटी होती है वो रात के 8 बजे से ले सुबह के 8 बजे तक होती है। तो जाहिर सी बात है 8 बजे से ड्यूटी शुरू है तो आपको 10 मिनट पहले आना पड़ेगा, लेकिन जाने का कोई फिक्स नहीं है। 8 ही बजे, 8:30 भी बजते हैं, 9:15 भी बजते हैं, और कभी 5 मिनट पहले भी हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये, हमें महीने में 8 ऑफ मिलते हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं। जो न्यू नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल को, तो अगर आपकी पोस्टिंग ओटी में होती है तो शुरू में आपको जनरल शिफ्ट ही मिलती है, क्योंकि आपको शुरू में उतना सेट्स का या काम के बारे में पता नहीं होता। तो आपको ले चलते हैं डिटेल में। ये है मेरा अटेंडेंस रजिस्टर और मुझे अपने नाम के आगे साइन करने। तो अब आ गई है मेरी ओटी। तो मैं ड्रेस चेंज करके अपनी ओटी में आ चुका हूँ और मैंने इवनिंग वाले स्टाफ से हैंड ओवर लेके उनको रिलीव कर दिया है। तो वो लोग तो गए और लगभग अब 8:05 हो गए हैं। तो अब मैं रजिस्टर्स चेक करूँगा, इंस्ट्रूमेंट्स चेक करूँगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बेसिकली वहाँ ट्रोमा ओटी गए हुए हैं, ठीक है, और उनको रिसीव करूँगा ताकि कल की सर्जरी के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट मतलब कल ना मंगाना पड़े, आज रहे तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद प्री ऑप पेशेंटों की लिस्ट कलेक्ट करेंगे, डोजियर रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और उसके बाद चलेंगे फार्मेसी, फार्मेसी से डोजियर कलेक्ट करेंगे सर्जरीज के, यानी जो पेशेंटों की सर्जरीज होनी है उनके लिए जो सामान लगना है वो फार्मेसी से कलेक्ट करेंगे। और एट द एंड मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, प्री ओप में पेशेंट रिसीव करेंगे वार्ड से, जिनकी सर्जरी होनी है उन पेशेंट का ओवर लेंगे वार्ड वाले स्टाफ से। लोन रजिस्टर इस डिपार्टमेंट का, लोन रजिस्टर का मतलब ये हो गया कि जो भी सामान हमने लोन पे दिया ट्रोमा ओटी में। देखो 4 तारीख से ही पूरी लिस्ट पेंडिंग है, ये सामान आया ही नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट है। इतनी ट्रोमा स्टाफ को बोल दिया है, क्योंकि हमारे डॉक्टर से बात हो गई है कि सारे सेट वापस मंगा लो, तो मैंने उनको बोल दिया कि हमारे सेट्स सारे भेज देंगे एचए के थ्रू। एचए मतलब हेल्थ असिस्टेंट, यानी वो वर्कर जो कि हमारी हेल्प करता है इन कामों में। तो अब देख लेता हूँ कल के लिए दोनों ओटी अरेंज है कि नहीं है, मतलब ओटी अरेंज का मतलब कि सब कुछ अपनी जगह पे है कि नहीं है। दोनों ओटी वेल अरेंज्ड है और ओटी फ्यूमिगेट भी है, यानी दोबारा फ्यूमिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। प्री ओप तरफ तो मिलता हूँ अब वहाँ पे अंदर जाके। तो ये हमारा प्री ओप स्टाफ, देखो रजिस्टर, हाँ ओटी पोस्ट ऑप, ये सारे देखो डोजियर रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, कोई सेंसेस मेंटेन कर रहा है, मतलब सो हार्ड वर्किंग, बहुत लेबोरियस है, मतलब हार्ड वर्किंग स्टाफ है भाई यहाँ का। और एक हमारे पास देखो पोस्ट ऑप पेशेंट भी है, इसको अब हम वार्ड में भेजेंगे। इसकी बोर्ड है यहाँ पे, मतलब जो भी ओटियाँ हैं ना कल की वो सारी लिस्टें लगी हुई हैं, तो इस लिस्ट से हमें डोजियर रजिस्टर मेंटेन करना है और फिर उस हिसाब से हमें डोजियर रिसीव करने हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फार्मेसी में डोजियर कलेक्ट करने के लिए है ना मैडम जी, ठीक है। और ये देखो डोजियर का अंबार, और इस भाई की तो ट्रिक देखो, इसने इकट्ठे एनेस्थीसिया के 20 डोजियर इकट्ठे निकाल दिए और बस सब कलेक्ट करके डाल रहा है। और ये देख रहे हो लंबा पहाड़, ये सब हमको कलेक्ट करना है। टोटल मिला के कितने पेशेंट थे मैडम? 36 जी। वाह, देखते हैं अब 36 डोजियर कलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। मैं ये डोजियर इंडिविजुअल ओटी का टैली करूंगा हर आइटम, और मैडम लिस्ट में टैली करेंगी। मैं नीचे फार्मेसी से आया हूँ ऊपर, क्योंकि डिमांड आई है कि कोई सा सेट भेजना है, तो मैं वो सेट यहाँ पे ढूंढूंगा। तो इतने सारे डोजियर हमने फिलहाल रिसीव किए हैं फार्मेसी से, ये मतलब सारे ऑर्थो ओटी के नहीं है, सभी ओटियों के हैं, और अब ये हमें हर ओटी में मतलब रखने पड़ेंगे ताकि उनको ईजिली सुबह मिल सके। तो ये सारा काम नाइट वाले स्टाफ को, यानी जो हम 4 स्टाफ थे उनकी ड्यूटी बनती है कि हमें रखने हैं। तो अब हमने डोजियर कलेक्ट कर लिए और अब हम लोग लंच करेंगे। लंच या डिनर ही हो गया भाई, रात का मिडनाइट डिनर। तो आज हमारी जो टीएल है ना, उनका हमारी वीडियो देख के चिली पटेटो मंगाने का मन हो गया, और इन्होंने चिली पटेटो मंगाए, कोल्ड ड्रिंक मंगाए। मैडम का दिल बहुत बड़ा है, थैंक यू मैडम। मैं ना इनका 12 बजे तक वर्क था, तो उससे पहले हमने थोड़ा बहुत चट कर लिया, और जो बाकी बचा कुचा है वो ये है। अब जो बचा कुचा है वो बेचारी तमन्ना मैडम खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी मैंने सारी पी ली। और क्योंकि मैं तो घर से खा के आया था, तो मेरी सब्जी तो अब यही लोग खाएंगे कैसी बनी है। मैडम खा के तो देखो,
थोड़ी सी मुझे पता है सर आपकी वाइफ बहुत टेस्टी खाना बनाती है मैडम, थोड़ा सा खा लो। अरे खा लो, कुछ नहीं होगा। मैं पेट भर चुका, मैं से यही नहीं खाया जा रहा था, तो मैं कैसे खाऊं? वो देखो पहले ही पानी पी के पेट भर रहे हैं। तक हम लोग मिड नाइट डिनर करेंगे, एक बार और फार्मेसी में जाना पड़ेगा डोजियर लाने, क्योंकि रूल है कि 12 बजे तक के डोजियर तो कलेक्ट करने ही करने हैं। हम लोग डोजियर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर रोटी में ना, यही हमारा नाइट का डेली का रूटीन, मेहनत का काम करते हैं। अब हम डोजियर प्लेस कर रहे हैं इंडिविजुअल रोटी। लाओ भाई हमारे भी दे दो ऑर्थो वाले, सब परेशान है ऑर्थो से, क्योंकि ऑर्थो के सबसे ज्यादा है। रात के 12:30 बज गए हैं और इतने सारे सेट आए हैं, अब इन सबको अरेंज करना है ताकि कल सुबह सर्जरी के लिए सेट मिल सके। और ये ट्रोमा से अच्छे आए हैं, ये लेकर आए हैं, ये देख लो भाई, किसी को लगता होगा नर्सिंग ऑफिसर। ऐसे सेट रिसीव करके फिर एच ए भैया इंडेक्स में अरेंज करके रख देते हैं, तो यही कारोबार चलता रहता है हम लोगों का। तो अभी रात के 1 बज गए हैं, 1 बज गए ना, अब ये भैया जो सेट आए हैं ना ट्रोमा से, जो खुले पड़े हैं, उनको CSSD ले जाएंगे पैक करके। अब मैं उनके एंट्री करूंगा लेबलिंग। तो मुझे ओवर में मिला था कि हमें हमारे प्लाज्मा आइटम रिसीव करने हैं प्लाज्मा मशीन से, तो मैं आ गया हूँ प्लाज्मा आइटम रिसीव करने। ये है प्लाज्मा मशीन, और अब इस पे लेबल लिखा है ना, ये ऑर्थो, यानी ये मेरी ओटी का है, तो इसको मैं अपनी ओटी कलेक्ट करके और अपनी ओटी में रखूँगा। तो अब 1:30 बज गए हैं ना सारा काम करते करते, और ये देखो हमने इतने सारे डोजियर रिसीव किए हैं, सिर्फ ये दोनों ऑर्थो ओटी के हैं। उनकी लिस्ट में एंट्री करूँगा कि किस पेशेंट का क्या डोजियर आया है, और ये लिस्ट मैं ले आया हूँ फ्री ओप से। बस अब ये लास्ट काम है, उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे 1-2 घंटे, बहुत काम। तो ये रही वो लिस्ट, और उस पर मैंने मेंशन कर दिया है, और ये है वो नोटिस बोर्ड, ताकि स्टाफ जब आएगा तो वो इजीली फाइंड आउट कर लेगा लिस्ट से। ये था मेन बेसिकली मोटा मोटा काम। मेरे को सारा काम करते करते लगभग 2 बज गए, तो शायद कुछ रह ही नहीं गया सुबह के लिए। अब बस सुबह उठ के जो पेशेंट है उनको रिसीव करना है प्री ओप में, हम चारों स्टाफ को मिलके उनकी एंट्री करनी है, जो मैंने आपको रजिस्टर से दिखाए थे, और ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो है ब्लड का अरेंजमेंट है, और सर्जरी एनेस्थीसिया कंसेंट साइन है कि नहीं है, और बस यही सब देखना होता है। फिर भी बहुत काम होता है, तब ना 2 बज गए, तो ऐसा ना लगे कि हाँ भाई सरकारी नौकरी है तो मौज की नौकरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाल के हमने मिडनाइट डिनर भी कर लिया, सारी सर्जरीज का डोजियर भी कलेक्ट कर लिए, और मतलब सारे सेट भी रिसीव किया, CSSD भेजा, अरेंजमेंट भी की, और उसी के साथ हमने आपको सब कुछ डिटेल में बताने की कोशिश भी करी कि क्या क्या हम नाइट ड्यूटी में करते हैं। तो इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, अब तो हमें हैबिट हो चुकी है इस चीज़ के लिए, और हम इसके लिए पहले ही घर से मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि नहीं हमें तो ऐसा करना ही है। और इसमें एक कमी रह गई, जो कि जैसे अगर कोई इमरजेंसी का केसेस आ जाएगा रात में, तो वो भी हम ही चारों स्टाफों में से कोई मिलके करना पड़ेगा, उसमें सर्कुलेटिंग भी करना पड़ेगा और स्क्रब भी करना पड़ेगा हम ही चार स्टाफ को मिलके। तो क्योंकि नाइट में स्टाफ हर ओटी से नहीं अवेलेबल होता, सिर्फ लिमिटेड ओटी से अवेलेबल है, तो यानी जो भी स्टाफ अवेलेबल होगा उसी को काम करना पड़ेगा। यानी मैंने आपको क्या बताया, मेन चार काम क्या थे, आते ही सबसे पहले अपनी ओटी का ओवर लेना, प्री ओप में हमने ये देखा कि इन्वेंट्री में क्या क्या सामान था और उनकी इन्वेंट्री रजिस्टर में मेंटेनेंस करी, उसके बाद हमने डोजियर पेपर के लिए सारी ओटी लिस्ट कलेक्ट करी और उनका एंट्री करा। तीसरे नंबर पे क्या हुआ कि हम फार्मेसी गए, फार्मेसी में हमने सारे डोजियर कलेक्ट किए, फिर वो HA भैया लाए और फिर हमने उसको हर ओटी में पोस्टेड किया, यानी प्लेस आउट किया। फोर्थ क्या करेंगे, वो हम सुबह जल्दी उठेंगे, फिर प्री ओप में जाएंगे, पेशेंट को रिसीव करेंगे वार्ड से, जो कि आज मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग सर्जरी के लिए प्लान्ड है। तो ये मेनली 4 वर्क हैं जो कि हर एक नर्सिंग ऑफिसर को नाइट में करना ही पड़ेगा जो ओटी में पोस्टेड है।
और यही बेसिकली रूटीन वर्क है। और उसके अलावा तो छुटपुट बहुत सारे काम हैं, वो तो अनगिनत है। लेकिन मैंने आप लोगों को फुली एक्सप्लेन किया एक नर्सिंग ऑफिसर की लाइफ या वन नाइट कैसी होती है नर्सिंग ऑफिसर की ओटी में। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और खुशबू को बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। हम लोगों को प्लीज़ सपोर्ट करें।